सो हेलो गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल गीगा प्लेस। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप मेरी ऐसी कोई भी फनी न्यूज़ वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं स्टंबल गाइस की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। तो चलो शुरू करते हैं आज की बासी खबरें। तो सो बात के एक बात में आज की हमारी पहली खबर निकल के आती है गेमान जी की तरफ से, जहाँ पर गेमान जी के ऊपर बहुत बड़ा हमला होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देख सकते हैं किस तरीके से एक लड़का गेमान जी को मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद गेमान जी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। गेमान जी का कहना है कि मैं गिरते गिरते बचा और उस लड़के को पकड़ कर फांसी दिलवाई जाए। तो हमारी अगली खबर निकल के आती है स्कल मेहता की तरफ से, जहाँ पर स्कल मेहता का कहना है कि सोनम गुप्ता बेवफा है। जी हाँ, और स्कल मेहता को अपने सामने सोनम गुप्ता नाम की एक लड़की दिखती है। वो उस लड़के को बहुत ज़ोर से मारते हैं, जिससे कि वो लड़की वहीं से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उस लड़की की कुछ अता पता अभी तक नहीं चल पाया। पुलिस उसकी खोज कर रही है और स्कल मेहता से पूछा गया कि सोनम गुप्ता नाम की लड़की ने इनका क्या बिगाड़ा था, इनसे पूछता है भारत। तो हमारी अगली खबर निकल के आते हैं टफमैन वाइटी की तरफ से, जहाँ पर बड़े दिनों बाद स्टंबल गाइस खेलते हुए देखे गए टफमैन वाइटी। जी हाँ, और इसी के चलते एक लड़का इनको पकड़कर नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से उसके टकले पे चढ़ के उसको नीचे गिरा देता है और खुद बच जाता है, जिसके बाद जनता इनसे पूछना चाहती है कि इन्होंने ऐसा कैसे किया, इनके पास ऐसी कौन सी काली शक्तियाँ कि ये ऐसा कर पाए हैं, इनसे पूछता है भारत। तो हमारी अगली बहुत ही ज़्यादा इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर निकल के आती है मिस्टर आई की तरफ से, जावर इन्होंने बहुत ही खतरनाक कारनामा किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने एक लड़के को जोर से मुक्का मारा पानी में, जिसके बाद उस लड़के की नदी में डूबने से मौत हो गई और उस लड़के की लाश का अभी तक पुलिस तलाश कर रही है, कुछ पता नहीं चल पाया और इनसे पूछताछ की गई है इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनसे पूछता है भारत। तो हमारी अगली खबर निकल के आती है अनिकेत सोनू की तरफ से, जहाँ पर अनिकेत सोनू ने बेनिस्क्यू बाबा के ऊपर इल्जाम लगाया कि बेनिस्क्यू स्टंबल गाइस में सुपर स्लाइड देना आप कम कर दिया है। जी हाँ, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी को भी पता होगा स्टंबल गाइस में सुपर स्लाइड नहीं आती, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टंबल गाइस के डेवलपर, इनसे पूछता है भारत। और अनिकेत सोनू और जनता की ये भी मांग है कि स्टंबल गाइस के डेवलपर बेनिस्क्यू को फांसी पर लटका दिया जाए, क्योंकि इन्होंने सुपर स्लाइड को देना कम कर दिया, जिससे कि सब बंदे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। तो हमारी अगली खबर निकल के आती है गेमर अक्षु की तरफ से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गेमर अक्षु और उसका दोस्त आपस में लड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद जनता ने इनसे पूछा तो गेमर अक्षु ने बताया कि इसके दोस्त ने इसके फ़ोन से इसकी जीएफ का नंबर चोरी कर लिया, जिसके बाद गेमर अक्षु को गुस्सा आ गया और गेमर अक्षु ने अपने दोस्त के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद उसके दोस्त ने भी हार नहीं मानी और दोनों आपस में बहुत लड़े और दोनों के हाथ पैर टूट गए। तो बस मेरे भाइयों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आया तो प्लीज़ यार एक ही बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी फ़नी कंटेंट डालने वाला हूँ, तो अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको स्क्रीन पर दो वीडियो दिख रही होगी, उनमें से कोई भी देख लो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।